हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम एक प्रोटोजोअन पैरासाइट लिस्मानिया के बारे में स्टडी करेंगे। लिस्मानिया एक एंडो पैरासाइट है। लिस्मानिया पैरासाइट की वेरियस स्पीसीज वर्टिब्रेट्स जैसे कैटल्स है, मैन, डॉग, शिप, हॉर्सेज आदि में पैथोजेनिक होती है। ये लिस्मानियसिस डिजीज उत्पन्न करती है। लगभग सेंड फ्लाई की 90 स्पीसीज इसको ट्रांसमिट करती है, यानी सेंड फ्लाई इसका वेक्टर का वर्क करती है। इस पूरे लेक्चर में लिस्मानिया को हम 6 पॉइंट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे, जिसमें सिस्टमेटिक पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, डिजीज, इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। लिस्मानिया पैरासाइट का पहला टॉपिक है सिस्टमेटिक पोजीशन, जिसमें हम लिस्मानिया के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। लिस्मानिया को फाइलम प्रोटोजोआ में रखा जाता है। सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, क्लास जू मेस्टिगोफोरा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, जीनस लिस्मानिया, स्पीसीज डोनोवनी। लिस्मानिया जीनस की खोज डॉक्टर विलियम लिस्मान ने मई 1903 में की थी और डोनोवनी स्पीसीज की खोज जुलाई 1903 में चार्ल्स डोनोवन ने की थी। इन दोनों साइंटिस्ट ने सेम टाइम पर अलग अलग देशों में अपना रिसर्च वर्क किया और अपनी रिसर्च को एक साथ पब्लिश किया। विलियम लिस्मान ने अपना वर्क लंदन में किया था और चार्ल्स डोनोवन ने अपना वर्क मद्रास में कंप्लीट किया। इस प्रकार इस पैरासाइट का नाम लिस्मानिया डोनोवनी रखा गया। लिस्मानिया की तीन मुख्य स्पीसीज है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट है लिस्मानिया डोनोवनी, सेकेंड है लिस्मानिया ट्रॉपिका, थर्ड है लिस्मानिया ब्रेसिलिएंसिस। इनके बारे में हम इस लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। सेकंड हम चर्चा करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, मींस कि लिस्मानिया की स्पीसीज वर्ल्ड वाइड कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है। यह है इंडिया, रूस, चाइना, भूमध्य सागरीय देश, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ भागों में पाई जाती है। इंडिया में यह स्पीसीज असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और यूपी के पूर्वी भागों में पाई जाती है। थर्ड हम पढ़ेंगे लिस्मानिया की प्रकृति और आवास। लिस्मानिया एक एंडो पैरासाइट है जो कि मानव में इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है। यह मानव में ल्यूकोसाइट सेल्स, लीवर सेल्स, स्प्लीन, बोन मेरो, लिम्फेटिक ग्लैंड आदि में पाया जाता है। इसका संक्रमण मानव में एक सैंड फ्लाई नामक मक्खी से होता है, जिसका जूलॉजिकल नेम है फ्लेबोटोमस अर्जेंटाइपीज। यह सैंड फ्लाई इसका वेक्टर का कार्य करती है जो कि लिस्मानिसिस रोग को फैलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉर्फोलॉजी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम शेप एंड साइज के ऊपर डिस्कस करेंगे। लिस्मानिया पैरासाइट है वो दो स्टेज या दो फॉर्म में पाया जाता है। पहला होता है लिस्मानियन या एमेस्टिगोट फॉर्म, एंड देन सेकंड है लेप्टोमोनाड या प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। एमेस्टिगोट फॉर्म मानव में पाई जाती है और प्रोमेस्टिगोट फॉर्म सैंड फ्लाई में पाई जाती है। जैसा आप देख सकते हैं, एमेस्टिगोट फॉर्म जो कि मानव में पाई जाती है और जिसे लिस्मानियन फॉर्म भी कहा जाता है, यह अंडाकार या गोली आकार होता है इसका, जिसमें एक न्यूक्लियस और एक ब्लेफरोब्लास्ट और एक काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है। इसका फ्लेजिला रेड्यूज होकर के साइटोप्लाज्म में छोटे फ्लेजिलम की तरह अरेंज हो जाता है। और प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है वो लंबे आकार में होती है, इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके अगले सिरे पर ब्लेफरोब्लास्ट से एक फ्लेजिलम निकलता है। इस प्रकार हम इन दोनों फॉर्म का डायग्रामेटिकली डिफरेंस हम देख सकते हैं। लिस्मानिया के ऊपर एक पतली, एक कोमल और प्रत्यास्थ पेलिकल पाई जाती है। यूनिफ्लेजिलेट होता है, यानी कि इसमें एक फ्लेजिला पाया जाता है और इसमें कलरलेस साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है और इसके साइटोप्लाज्म में ब्लेफरोब्लास्ट, काइनेटोसोम, गोल्जी बॉडी, राइजोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल और न्यूक्लियस आदि सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ साइकिल, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिस्मानिया एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाइजेनेटिक मीन्स लिस्मानिया की लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती है, जिसमें प्राइमरी या प्रिंसिपल होस्ट होता है मानव, और सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट होती है सैंडफ्लाई। सैंडफ्लाई यानी फ्लेबोटोमस इसके वेक्टर का कार्य करती है। लिस्मानिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल को हम इस डायग्राम के थ्रू डिस्कशन करेंगे। जब कोई इन्फेक्टेड सैंडफ्लाई एक स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो ये पैरासाइट यानी प्रोमेस्टिगोट मानव के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। ये प्रोमेस्टिगोट रक्त में प्रवेश करके मानव के लीवर सेल, स्प्लीन, बोन मैरो और लिम्फ नोड तक पहुंच जाते हैं। ये प्रोमेस्टिगोट फॉर्म एमेस्टिगोट में चेंज होकर के इनमें बाइनरी फिशन होता है, जिससे होस्ट सेल आकार में ग्रो होती है और रैप्चर हो जाती है, जिससे एमेस्टिगोट लिबरेट होते हैं और नई होस्ट सेल पर अटैक करके बाइनरी फिशन करते हैं। इनमें से कुछ एमेस्टिगोट मैक्रोफेजेज के द्वारा फेगोसाइटोसिस की क्रिया करते हैं। अब कोई सैंडफ्लाई इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है तो ये एमेस्टिगोट फॉर्म मैक्रोफेजेज के साथ उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और सैंडफ्लाई की एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच जाते हैं और ग्रो कर लेते हैं। सैंडफ्लाई की एलिमेंट्री कैनाल के मिडगट में ये एमेस्टिगोट फॉर्म एक फ्लेजिला बनाते हैं और विकसित होकर के प्रोमेस्टिगोट में चेंज हो जाते हैं, और प्रोमेस्टिगोट में बाइनरी फिशन होता है, जिससे 6 से 10 दिन के बाद ये फेरिक्स या बक्कल कैविटी में पहुंच जाते हैं। बाद में ये न्यू सेल पर अटैक करते हैं। लास्ट पॉइंट है डिजीज। लिस्मानिया पैरासाइट के द्वारा 3 मुख्य डिजीज होते हैं। पहला है कालाजार, कालाजार जिसको विसरल लिस्मानियासिस या ब्लैक फीवर या डमडम फीवर भी कहा जाता है। कालाजार एक इंडियन वर्ड है जो कि दो शब्द काला और अजार से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ब्लैक सिकनेस। डमडम फीवर इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले एक सोल्जर की मृत्यु कलकत्ता के दमदम शहर में हुई थी। इसके कारण कालाजार लिस्मानिया की मोस्ट सीवियर फॉर्म होती है। यह लिस्मानिया डोनोवनी के द्वारा फैलता है और इसका वाहक फ्लेबोटोमस सैंडफ्लाई होती है। पूरे विश्व में मलेरिया के बाद यह दूसरा लार्जेस्ट पैरासाइट किलर है। इस डिजीज में रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण स्प्लीन की ग्रो बढ़ जाती है, जो इस विसरल लिस्मानियासिस रोग का प्रमुख लक्षण है। इसकी जो इफेक्टिव मेडिसिन है उसका नाम है यूरिया स्टीबेमाइन। इस मेडिसिन की खोज एक भारतीय वैज्ञानिक उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी ने 1922 में की थी, जो कि फर्स्ट एवर मेडिसिन है कालाजार के लिए। इस मेडिसिन की खोज के कारण इनको 1929 में नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन बाद में नोबेल प्राइज नहीं मिला। दूसरा डिजीज है स्किन लिस्मानियासिस या फिर क्यूटेनियस लिस्मानियासिस, जिसको ओरिएंटल सोर भी कहा जाता है। यह लिस्मानिया ट्रॉपिका के द्वारा फैलता है। इसका वेक्टर भी सैंडफ्लाई होती है। इसका संक्रमण स्किन तक ही सीमित रहता है, जिससे स्किन पर फोड़े या घाव बन जाते हैं। तीसरा है एस्पंडिया या म्यूकोकुटेनियस लिस्मानियासिस, जो कि लिस्मानिया ब्रेसिलियनसिस के कारण होता है। इसमें शरीर के सभी भागों पर फोड़े बन जाते हैं, विशेषकर नेजल कैविटी, माउथ, फेरिक्स आदि में फोड़े बनते हैं। लिस्मानियासिस डिजीज को लेकर एग्जाम्स में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।